जशपुर जिले की तुमला थाना पुलिस ने क्षेत्र के जागरूक जनता की सूचना पर ग्राम भिलवा फतेह बहार से होते हुए 6 मवेशी तस्करों को घेराबंदी कर पकड़कर उनके कब्जे से 27 नग गौवंशों को बरामद करने में सफलता पाई। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन के निर्देशानुसार तुमला थाने की टीम ने ग्रामीणों के बताए अनुसार मार्ग में घेराबंदी कर कुल 6 गौ तस्करों को धर दबोचा एवं उनके कब्जे से कुल 27 नग गौवंश कीमत 2,16,000 रुपए का जब्त कर सभी आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। पूछताछ में आरोपियों ने उक्त गौवंश को चरखापारा से तस्करी करते हुए ओडिशा की ओर ले जाना बताया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन ने कहा कि तुमला की जागरूक जनता द्वारा दी गई सूचना पर तुमला पुलिस ने 6 गौ तस्करों से 27 नग गौवंश को जब्त किया है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि अपने आसपास किसी प्रकार की तस्करी या अवैधानिक कार्य हो रहा हो तो तत्काल सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रहेगा। जशपुर पुलिस का पशु तस्करी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसको जनता का पर्याप्त समर्थन मिल रहा है और उसी कड़ी में आज तुमला थाना क्षेत्र में पशु तस्करों के द्वारा पैदल हांक कर जानवरों को ले जाया जा रहा था, इसकी सूचना पुलिस को ग्रामीणों के द्वारा दी गई और इस सूचना पर पुलिस जाकर 27 नग गौवंश को वहाँ पे उनसे मुक्त कराया है और साथ ही 6 आरोपियों को अभी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है और जैसी स्थिति बनती है उसके अनुसार उस पर गिरफ्तारी होगी और पशु संरक्षण अधिनियम के तहत उसमें मामला पंजीबद्ध कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या लगता है जो पुलिस द्वारा अभियान शुरू किया गया है वो सार्थक होता नजर आ रहा है, ग्रामीणों के बीच जो है विश्वास बढ़ा है? निश्चित रूप से पहले ये लोग गाड़ी से तस्करी करते थे तो हम लोगों ने गाड़ियों से इनकी तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए, गाड़ियों को पंचर करा के इनको रुकवाया गया। अब ये लोग पैदल ले जाने का ये जो नया सिलसिला शुरू किए हैं, इसमें चूँकि